कोरोना का असर जहां एक और आम जन पर पड़ रहा है, वहीं हिमाचल सरकार के लिए राजस्व की खान मानी जाने वाली होटल इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल आने की अनुमति प्रदान नहीं कर रही है, जिसके चलते अब हिमाचल का पर्यटन उद्योग दम तोड़ रहा है। इस उद्योग पर आधारित कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए होटल 3 महीनों से वीरान पड़े हैं। उनका रख रखाव करना भी होटल संचालकों को काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में चायल होटल एसोसिएशन के प्रधान देवेंद्र वर्मा ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वे बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को होटल्स में सशर्त आने की अनुमति दे, ताकि मृत होती जा रही होटल इंडस्ट्री को संजीवनी मिल सके। चायल होटल एसोसिएशन के प्रधान देवेंद्र वर्मा ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार होटल्स को खोलने की अनुमति प्रदान करे, अन्यथा भविष्य में संचालक इस काबिल नहीं होंगे कि वे फिर से इस व्यवसाय को आरंभ कर सके। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश सरकार की सभी शर्तें मानने को तैयार हैं और वे पहले से ही सभी SOPs की पालन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल आने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश में आने की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि पर्यटक लंबे समय तक हिमाचल में रुकना चाहते हैं और वे भी हिमाचल सरकार की सभी शर्तें मानने को तैयार हैं। अगर प्रदेश सरकार उन्हें अनुमति देती है तो होटल व्यवसाय से जुड़े जो कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें दोबारा से रोजगार मिल जाएगा और जो नुकसान होटल व्यवसाय झेल रहा है वह भी पूरा होने की संभावना है। चायल होटल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश सरकार से गुजारिश करती है कि हिमाचल प्रदेश में होटलों को शुरू किया जाए। वो जो पिछले कई महीनों से होटल बंद पड़े हैं उसे शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए, क्योंकि जो होटलों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, जैसे स्टाफ होटल में जो राशन सप्लाई करने वाला, दूध दही बेचने वाला, उसको भी राहत प्रदान हो और जो सरकार को भी GST से इनकम आती है वो भी आनी शुरू हो, होटलियर्स को भी जो बैंकों की देनदारियां हैं वो दे सकें। इसलिए होटल शुरू करना अति आवश्यक अब लग रहा है, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी लगता है कि ये लंबी चलने वाली है। हमें कोरोना से ही जूझकर, कोरोना के बीच ही कुछ नया ढूंढकर अपने कारोबार को शुरू करना है। महोदय, हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में होटल जल्दी से जल्दी शुरू किए जाएं, क्योंकि होटलों का जो देनदारियां हैं, होटलों के जो खर्चे हैं, वो तभी निकल पाएंगे अगर होटल कारोबार शुरू होता है। तो मेरी तो सरकार से, मेरा सरकार से निवेदन है कि आप अगर पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के बॉर्डरों को नहीं खोला जाता तो होटलों की कंफर्मेशन के साथ कम से कम जो गेस्ट बाहर से आना चाहता है वो 7 दिन के लिए होटल बुकिंग की कंफर्मेशन के साथ आए, वो उससे अधिक भी जो रहना चाहे वो रह सकता है। और बहुत सारा ऐसा पर्यटक है, ऐसे टूरिस्ट हैं जो हिमाचल प्रदेश में लंबी स्टे के लिए आना चाहते हैं, कुछ हमारे से भी कुछ लोगों का संपर्क हुआ है तो वो तैयार हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ई पास अगर इशू करती है उन पर्यटकों को तो वो भी आएंगे, उससे इनकम भी होगी और जो इससे जुड़ा है कोई भी व्यक्ति उसको फायदा होगा। होटल के जो देनदारियां हैं, EMIs हैं, जो इंटरेस्ट बैंक को पे करना है वो भी किसी ना किसी सूरत में हम दे पाएंगे। उसके लिए मैं बार बार यही सिफारिश करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार से, जयराम जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से, कि आपने महोदय पिछले दिनों यहाँ पर कुछ प्रपोजल्स दी थी कि होटल शुरू किए जाएं, तो कुछ लोगों के विरोध के बाद वो वापस आपने निर्णय लिए हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चायल होटल एसोसिएशन आपके साथ है, अगर आप होटल खोलने की कोई प्रपोजल अगर बनाते हैं तो हम तो ऑलरेडी जो हिमाचल प्रदेश सरकार वो भारत सरकार की SOP है उसको 80% तो हम पहले से फॉलो कर रहे हैं, 20% और जो आपके जो दिशा निर्देश होंगे सरकार के उसको हम पूरा करेंगे और उन सारी सुविधाओं के साथ हिमाचल प्रदेश में गेस्ट आए हम उनका स्वागत करें और हम अपना कारोबार शुरू कर सकें। बार बार मेरी विनती है, हम सब लोग तैयार हैं, काम शुरू किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।